पॉइंट बना हुआ आजकल फोटो सेशन का। यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो आपके सामने है। यहाँ पर है जी लंगूर महाराज। सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है एप्पल सन ट्रैकर के एक और नई वीडियो में। दरअसल आज कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो समय होती है घर वापस लौटने की, उस समय पे मैं वापस जा रहा हूँ मार्केट प्लेस की ओर। दरअसल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन दिनों चल रहे हैं समर फेस्टिवल, तो इस करके मैंने सोचा कि क्यों ना आज काफ़ी समय बाद शिमला के समर फेस्टिवल का इंजॉय किया जाए। तो कुछ अजीब सा लग रहा है कि जो समय होती है घर वापस लौटने की, उस समय पे मैं जा रहा हूँ वापस रिच की ओर। तो आज देखते हैं कि शिमला शाम के वक्त कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं सीधे माल रोड की ओर। ऑल राइट, तो फिलहाल लगा हुआ है जी नो एंट्री, तो सभी चले रहे पैदल। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस चैनल पर 200 से ज़्यादा वीडियोस ऐसे हैं जिस पर मैंने सर पर पटका बांधा हुआ था। ये साथ में मेरे चली भी है और दांगरी जी, तो इन्होंने जो मेरे सर का जो पटका है वो उतार दिया है। तो आप बताएं कि मैं पटके के साथ सही हूँ या बगैर पटके के, कमेंट ज़रूर करें। तो ये है वो हमारे खास जीने मरने की संगी साथी जिन्होंने पटका जो उतार दिया है। तो सीरियसली बताइएगा कि पटका पहने हुए सही लगता हूँ या बगैर पटके का, कमेंट ज़रूर करें। तो फिलहाल लगा हुआ है नो एंट्री, तो चले उन्हें पैदल ही पैदल। संजौली में एक चीज़ बहुत अच्छा है, नीचे रोड है और ऊपर से पैदल चलने का है। अगर किसी ने किसी से छोटे बच्चे हो बड़े बुजुर्ग हो तो उनको ऊपर से चलने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से चलो और सीधा पर HRTC टैक्सी के पास पहुँच जाते हैं, इसलिए हमें नीचे से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर से ही जाते हैं और अच्छा भी है यहाँ से चलने के लिए। तो इस चीज़ की जिक्र की जा रही है जी, नीचे है मेन हाईवे जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। फिलहाल लगा हुआ है नो एंट्री, तो हम गुजर रहे हैं जी ऊपर से। तो ये एक फुटपाथ सा है बनाया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या कोई पेशेंट हो या कोई ऐसी महिला जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हो, वो यहाँ से बिल्कुल सेफली गुजर सकते हैं। तो फिर वो सीधा आगे निकलेंगे IGMC की तरफ, उन्हें किसी भीड़ का या फिर किसी ट्रैफिक का इशू जो है वो नहीं आने वाला है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शाम होते होते लक्कड़ बाजार की जो रौनक है वो बढ़ जाती है, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है जी शिमला के लक्कड़ बाजार की रौनक। जैसे जैसे शाम होता जाएगा यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी। भाई आज लोगों का खासा भीड़ है चारों तरफ, कोई खाने पीने में मस्त है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई घुड़सवारी कर रहा है। अगली प्रस्तुति लेके आएंगे निर्मला देवी जी, जो बता लो निर्मला देवी जी के लिए। शिमला के रिच पर पहुंचते ही जो भीड़ हमें देखने को मिली वो आपके सामने है। भीड़ से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था मानो पैरों में बेड़ियां लगी हो। अगली प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आ रहे हैं सोमी शर्मा जी। यहाँ पर है जी लंगूर महाराज। जी
चार्ली चैपलिन। यहाँ एक तरफ महिला मंडल द्वारा लोकल डिश का भी प्रबंध था, जिसे पर्यटकों ने काफी पसंद किया। क्राउड इतना ज्यादा है कि पुलिस वालों को यहाँ पुलिस बैरिकेड लगाने की जरूरत पड़ी है। तो आप समझ सकते हो कि कितना का क्राउड इस वक्त शिमला में हो सकता है। तो ये एक पॉइंट बना हुआ आजकल फोटो सेशन का, यहाँ से जो व्यू नजर आता है वो आपके सामने है। सभी लगे हुए फोटो सेशन में। टूरिज्म के ऑफिस के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि सभी लोग उस तरफ बढ़े जा रहे थे जहां पर सजा था समर फेस्टिवल का स्टेज, लेकिन मुझे जो मिला वो था एक बहरूपिया। उसके बाद मैं पहुंचा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट पहुंचकर अब थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि यहां पर भीड़ कुछ कम था, लेकिन यहाँ पहुंचकर 360 वाला व्यू आपको दिखाना बनता था जो कि आप देख रहे हो। तो आगे चल रही है जी पुलिस बैंड। हम यूट्यूबर के साथ एक ये दिक्कत होती है कि हम एक जगह बैठ नहीं सकते, अगर हम बैठ गए तो फिर वीडियो शूट जो है नहीं हो पाएगा। मन तो कर रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से ऊपर जाऊँ त्रिशूल बेकर्स होते हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि रास्ते बहुत ही आज कंजेस्टेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो लोगों की भीड़ को चीरता हुआ मैं पहुँच चुका हूँ उसी पार्क पर जो कि पिछली बार मैंने आपको दिखाए थे। तो यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब मुझे जाना है यहाँ से ऊपर। तो फिलहाल ये है माल रोड के नज़ारे, बेताशा क्राउड, उफ माय गॉड। एक तरफ सूर्य अस्त हो चला था और दूसरी तरफ लोगों की भीड़ अब बढ़ती जा रही थी। ऐसे में हिमाचल के लोकल्स काफ़ी रुचि रखते हैं, वो दूर दूर से स्टेज प्रोग्राम देखने चले आते हैं। बिल्कुल माल रोड के बीचों बीच हूँ, इस तरफ कुछ दुकानें लगी हैं, चारों तरफ लोग हैं और इस तरफ भी दुकानें सजी है। तो फिलहाल बिल्कुल माल रोड के बीचों बीच हूँ, इस तरह से चहलकदमी कर रहा हूँ मानो पैरों में बेड़ियाँ लगी हो, स्पीड में चल ही सकते हैं इतने ज़्यादा लोग हैं। चारों तरफ पर्यटकों की भीड़, बस टूरिस्ट ही टूरिस्ट, लोकल्स भी हैं वो ऊपर बैठे हुए कुर्सियों में प्रोग्राम का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट वो घूमे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मैं भी किसी टूरिस्ट से कम नहीं लग रहा हूँ। ऑलराइट, तो जहाँ पर स्टेज सजा हुआ था रिज के पास, वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, सो इस करके मैं पहुँचा हुआ हूँ होटल ओबराय क्लार्क के पास। और यहीं से ही शुरू होता है माल रोड का दायरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग इस टाइम गुजर रहे हैं उस स्टेज की तरफ जहाँ पर प्रोग्राम जो है किया जा रहा है। लेकिन यहाँ से जो शिमला का ओवरऑल जो व्यू नज़र आता है वो अल्टीमेट है। जो लोग स्टेज प्रोग्राम के शौकीन थे वो तो थे रिज के आसपास, लेकिन जो लोग शांति प्रिय थे, शांति चाहते थे, वो थे लिफ्ट के आसपास, क्योंकि लिफ्ट के आसपास वो सभी सुविधाएं आपको मिलती है जो कि आप चाहते हो, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो या फिर हो शॉपिंग से संबंधित, हर फैसिलिटीज़ आपको लिफ्ट के आसपास मिलती है। लेकिन जब मैं लिफ्ट के उस पॉइंट पर पहुंचा जहां पर लिफ्ट की टिकट काटी जाती है और जो मैंने भीड़ वहाँ देखी, तो मुझे यकीन हुआ कि सच में इस बार शिमला में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्टों का आगमन हुआ है।
लिफ्ट के पास इतना भीड़ होना एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि टूरिस्ट जब शिमला पहुंचता है तो सबसे पहले वो लिफ्ट के द्वारा ही पहुंचता है माल रोड, और यहीं से ही घूमता हुआ वो जाता है रिज की तरफ। लेकिन लोकल्स भी लिफ्ट के आसपास घूमना खूब पसंद करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तो ये एक वॉकी वॉकी वाला वीडियो है, वॉकी वॉकी वाला शॉट। तो फिलहाल क्राउड ज़्यादा होने के कारण क्या है कि धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है जी, बहुत ही ज़्यादा क्राउड। फिर लोग कहते हैं कि टूरिस्ट नहीं है, भाई ये टूरिस्ट नहीं है तो और क्या है। यहाँ इन दिनों दो चीज़ काफ़ी ट्रेंड पे है, कुल्लड़ चाय और कृष्णा बेकरी। यहाँ पर अक्सर लाइन लगी रहती है। एक तो टूरिस्ट सीजन, ऊपर से समर फेस्टिवल, ऐसे में लोकल्स और टूरिस्ट दोनों ही पहुंच चुके थे शिमला के रिज और माल रोड पे। ऐसे में भीड़ हो जाना एक स्वाभाविक सी बात थी। दूसरा कारण ये भी था कि इन दिनों मैदानी इलाकों में चल रहे हैं भीषण गर्मी, जिस कारण सभी पर्यटकों ने रुख कर रखा है पहाड़ों का। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है ज़रूर बताएँ। ये है रूदारी का बाग है ये, और ये सारा का सारा जो हमारी जो टीम है ये चंडीगढ़ से विराजे हमारे बीच कई जगह बहुत सारे इनके प्रोग्राम होते हैं अक्रॉस इंडिया, जिनमें के नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स होते हैं। एक नाच गाने का दौर देर रात तक चलता रहा, लेकिन समय ज़्यादा हो जाने के कारण मैंने घर की तरफ निकल जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन जब टक्का बेंच पहुंचा तो वहां से कुछ इस तरह से दिख रहा था जो कि आप देख रहे हैं। यहां पहुंचे हुए पर्यटक अब भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इंजॉय करना था, लेकिन मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ। ऑल राइट, तो पहुंचने वाला हूं अपने घर के पास। वहां रिज पे आपने देखा कि किस तरह का क्राउड था, बिल्कुल हल्ला गुल्ला वाला सीन। लेकिन यहां मेरे गली मोहल्ले में बिल्कुल सन्नाटा पसा हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आजकल समर फेस्टिवल चल रहा है। तो गाइज, इस वीडियो में आपने क्या देखा और क्या समझा, कैसा लगा ये वाला वीडियो समर फेस्टिवल वाला, ज़रूर बताएं। और अगर कुछ कहना हो, पूछना हो तो कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।